केसरगंज की सीट लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। लोकसभा चुनाव में केसरगंज की सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा गया था। उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन करण भूषण सिंह चर्चाओं में बन गए। करण भूषण सिंह सुर्खियों में आ गए। कारण ये बना, जिस हिसाब से बच्चों को रौंदने का उनके काफिले ने जो ये घटना कहीं ना कहीं घटित हुई थी केसरगंज में, इस घटना के बाद पूरे केसरगंज की, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली गई। करण भूषण सिंह के खिलाफ एक के बाद एक लगातार कार्यवाही की जा रही है, लेकिन करण भूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसी बीच करण भूषण सिंह एक के बाद एक लगातार मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। अब एक नई मुश्किल करण भूषण सिंह के खिलाफ पनप चुकी है। जी हाँ, ये खबर अयोध्या से कहीं ना कहीं सामने आ रही है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से साल 2019 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को हरी झंडी मिल गई थी। तब से वहां कथित मुनाफा कमाने के लिए जमीन की जमकर खरीद फरोख्त की बातें भी सामने आ रही थी। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या को एक बड़े धार्मिक टूरिज्म हब के तौर पर तैयार करने का काम चल रहा है। इस वजह से यहां जमकर निवेश हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि खरीदारों के लिस्ट में किसी और का नहीं बल्कि बड़े बड़े नेताओं का, अधिकारियों का और रसूखदारों का नाम शामिल है। आपको बता दें, यह आरोप कई बार विपक्ष के नेताओं की ओर से भी लगाए जा चुके हैं। स्थानीय लोग भी इस बात को कई बार दोहरा चुके हैं कि जनता से अनाप शनाप रेट में जमीन को लिया जा रहा है और फिर मुनाफे के लिए महंगे रेट में बेचा जा रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो आरोप लग रहे थे उसका खुलासा अब धीरे धीरे होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर अयोध्या में अरबों रुपए के कथित भूमि घोटाले को लेकर अपनी बात रखी और मांग की है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। पूर्व यूपी सीएम अखिलेश यादव ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव खबर का हवाला देते हुए कहा है कि जैसे जैसे अयोध्या की जमीन के सौदों का भांडाफोड़ हो रहा है, उससे ये सच सामने आ रहा है कि बीजेपी राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोख्त की है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट कर भी लिखा है कि सरकार द्वारा पिछले 7 सालों से सर्कल रेट बढ़ाना स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आर्थिक षड्यंत्र बनाया जा रहा है। इसकी वजह से अरबों रुपए के भूमि घोटाले हुए हैं। यहां आस्थावानों ने नहीं बल्कि भू माफियों ने जमीन खरीदी है। इन सबसे अधिक फैजाबाद और आसपास के क्षेत्र में रहने वालों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा और इसी लिस्ट में कहीं ना कहीं अब तमाम उन लोगों के नाम शामिल हैं जिन लोगों पर लगातार मोहर नहीं लगाई जा रही थी। आपको बता दें, इस तमाम अखबार ने अपनी रिपोर्ट में जिन लोगों के नामों का जिक्र किया है उनमें अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौनी मीन के दोनों बेटे, बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह और यूपी एसटीएफ प्रमुख एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश, तमाम सभी लोग शामिल हैं जिन लोगों पर आखिर इस समय पर कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि ये लोग अयोध्या में बड़े दामों पर जमीन खरीदते नजर आएंगे। बीजेपी के पूर्व सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह की कंपनी नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर ने राम मंदिर से 8 किलोमीटर दूर महेशपुर में जनवरी 2023 में 1.15 करोड़ रुपए में 0.97 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। इसमें से आपको बता दें, करीबन 635 जमीन को 60 लाख में जुलाई 2023 में बेच दिया गया था। लगातार ब्रजभूषण के खिलाफ अब षड्यंत्रों का जो जाल है वो लगातार बिछाया जा रहा है। आने वाले समय में ब्रजभूषण शरण सिंह आखिर समस्या से कैसे बाहर आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।